तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। भाई साहब, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 तड़ल्ले से लाइन पर चल रहा है और उसके 3 एपिसोड अभी तक ड्रॉप आउट हो चुके हैं। फिलहाल एपिसोड 2 और एपिसोड 3 के बारे में बात करेंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भाई साहब, पहले ही बता दूं, कहानी बहुत स्लो चल रही है जो अब बोर करते जा रही है, क्योंकि प्लॉटिंग हो रही है। यस, एक तरफ वो चीज़ सही भी है कि वर्ल्ड बिल्डिंग जो चल रही है, कहानी की जो बिल्डिंग चल रही है वो होनी भी चाहिए, लेकिन बहुत धीरे कहानी चल रही है। एपिसोड 2 में जो चीज़ खत्म हो सकती थी वो एपिसोड 3 में भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स में भी हम ये देख चुके थे कि भाई साहब, बहुत से सीजन में कहानी को खींचा ही गया था, लेकिन यहाँ पर ये फिर वही चीज़ कर रहे हैं जो कहानी को खींचने वाली बात होती है। लेकिन हाँ, एपिसोड 2 में एक आध ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली जो भाई कनेक्ट करती हैं, लाइक जो एपिसोड 1 पर जो जिस हिसाब से एंडिंग हुई थी, क्योंकि वहाँ पर जो सीजन 1 पर एंडिंग हुई थी उसका कनेक्शन एपिसोड 1 के एंडिंग से हुआ था। सेम थिंग की दैट कि रेनीरिया टारगेरियन सीधा सीधा चाहती थी उसके जो सेकंड सन, उसका सेकंड बास्टर्ड सन था ल्यूसेरिस बलेरियन, जिसे मार दिया गया खेल खेल में एलिसेंट हाईटावर के सेकंड बेटे के द्वारा, एमन टारगेरियन के द्वारा, वो भी ड्रैगन्स के द्वारा। तो अगर आपने देखा हो तो उस चीज़ को कनेक्ट कर रहे होंगे। देन वहाँ पर वो सीधा सीधा बोलती कि भाई साहब, एन आई फॉर एन आई, अ सन फॉर अ सन। और ये चीज़ डेमन टारगेरियन को बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है, जिससे वो यहाँ पर क्या करता है कि भाई एक किलर को पकड़ता है, कॉन्टैक्ट देता है कि जाओ एलिसेंट हाईटावर के किसी भी एक बच्चे की गर्दन काट के लाओ या फिर किसी को भी मार के ले गए। लेकिन किलर को कुछ भी समझ में नहीं आता है ढंग से, वो जाता है और एगोन टारगेरियन जो उसका छोटा बच्चा होता है 1.5-2 साल का, भाई साहब उसे बेड में ही मार देता है, जो ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा शर्मसार करके गया है, जो बहुत ज़्यादा रेनीरिया टारगेरियन को आलोचनाओं में घेर के भी लेके आया और बहुत सी चीज़ वगैरह वगैरह हुई एपिसोड 2 में। एपिसोड 3 में भाई थोड़ा सा ट्विस्टिंग देखने को मिली। डेमन टारगेरियन खुद चाहता है कि अब वो किंग बने, जिससे वो हेरेनहॉल कासल पर कब्जा कर लेता है, रिवरलैंड का बहुत बड़ा पार्ट वो अपने हिस्से में लाता है, और सेवन किंगडम में से हेरेनहॉल जो कासल है वो सबसे बड़ा कासल है, जिसके अंडर में 40,000 आर्मी आती है, जिससे वो सीधा सीधा भाई साहब अपने वर्डों में कहता हुआ नजर आ रहा है कि इसके बाद हम किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने वाले हैं, यानी और भी थोड़े से अलायंस जीतेंगे, एक आध कासल्स को जीतेंगे, देन उसके बाद जो भी आर्मी हमसे तैयार होगी और किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने वाले हैं। किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करने वाले से सीधा एसोसिएट ये होता है कि भाई वो खुद के लिए वो सत्ता चाहता है। रेनीरिया टारगेरियन के लिए फिलहाल तो कोई मेंशन नहीं दिखा वहाँ पर, लेकिन मैं खुद चाहूँगा कि भाई ऐसा ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि रेनीरिया टारगेरियन के साथ ही डेमन टारगेरियन की वो ताकत मिलती है, और रेनीरिया टारगेरियन के पास अगर डेमन टारगेरियन नहीं होगा तो फिर मामला 1-1 नहीं हो पाएगा भाई, 2-1 हो जाएगा, क्योंकि रेनीरिया के पास कोई भाई इतनी बड़ी फोर्स नहीं है, इतनी बड़ी सेना भी नहीं है, और इतना ज़्यादा वेल मैच्योर डेमन टारगेरियन जैसा वॉरियर भी नहीं है। लेकिन हाँ एगोन टारगेरियन यानी ग्रीन्स के पास भाई साहब वागार है, और वागार के पास एमंड है, और एमंड फुल वॉरियर एटीट्यूड में चल रहा है। देन उसके बाद जो उसका हाई कमांडर है सर क्रिस्टन कोल, जो अभी ओटो हाईटावर को भी अपने हैंड के पद से हटा दिया गया है, और हैंड के पद पर अब किसे रख दिया गया है, सर क्रिस्टन कोल को, जो हाई कमांडर है, जो 50-50 चाहता है कि भाई वॉर हो। लेकिन अभी तक ये देखने को मिल रहा है, दो ऐसे तबके देखने को मिल रहे हैं दोनों ही पार्टी में, ग्रीन की पार्टी में, ब्लैक की पार्टी में भी, कि भाई वॉर को फिलहाल एक तबका नहीं चाहता है, लेकिन एक तबका जो चाहता है कि वॉर हो जाए। रेनीरिया टारगेरियन यानी ब्लैक्स की अगर बात करें तो रेनीरिया खुद नहीं चाहती है कि वॉर हो, क्योंकि वो जानती है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, उसके परिणाम क्या होने वाले हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। भाई अपने ही सगे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने चचा को यहाँ मारते हुए दिखाया जाएगा, भाई खूनम खान जो भी होगा, महाभारत अगर आपको याद हो तो महाभारत का किस्सा यहाँ देखने को मिलेगा पूरा। वो मैच्योर पार्टी नहीं चाहती है। खुद एलिसेंट हाईटावर जो ग्रीन्स में है वो खुद नहीं चाहती कि मेरे बच्चे, भाई कौन चाहता है कि अपना बच्चा मर जाए, है ना, तो वो चीज़ भी वो नहीं चाहती है कि भाई वॉर हो। लेकिन 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 जो वॉर चाहते हैं भाई साहब एलिसेंट हाईटावर, जो टीनेजर्स जिनके हाथ में सत्ता चल रही है, एगोन एंड एमंड, भाई वो फुल तैयार हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस इतने मालूम नहीं है, नया खून है, 16-17 साल 18 साल की उम्र का खून है, और वो बस चाहते हैं कि बस वॉर हो, और उन्हें लग रहा है कि मज़ा आएगा, बट मज़ा नहीं आएगा भाई, लोगों की जान जाएगी वहाँ पर, मासूमों की जान जाने वाली है। दूसरी तरफ रेनेरिया के जो अलाइज हैं वो तो चाहती हैं, क्योंकि किंग्स लैंडिंग से पहले ही उन्हें खुंदक है, और वो चाहते हैं कि किंग्स लैंडिंग को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, तो इसके लिए रेनेरिया खुद किंग्स लैंडिंग पर जाती है एलिसेंट हाईटावर के साथ बातचीत करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, कि भाई ये जो वॉर होने वाली है इसे रोक दिया जाए, और जो जहाँ पर जैसा है वहीं पर राज किया जाए। फिलहाल के लिए रेनेरिया उसे कन्विंस करने की भी कोशिश करती है कि जिस थ्रोन पे तूने अपने बच्चे को बैठा रखा है वो मेरे हक का है,
और यहाँ पर मिस्टेकनली वो दोनों की बहस चलती है। हाँ, ये अंदाजा लग रहा है कि भाई साहब डेमन अब कुछ दया और दमदार करने वाला है। जो वो कहानी याद आती है ना कि दो बंदर के बीच में शेर मजा लूट ले गया, दोनों बंदर यानी ग्रीन्स एंड ब्लैक्स, वो आपस में लड़ते रहेंगे और डेमन टारगेरियन नाक के नीचे से थ्रोन लेके जा सकता है, क्योंकि वो वॉरियर एटीट्यूड है ही उसके पास और थोड़ा दिमाग भी लगा के चल रहा है, क्योंकि उसने भाई कासल में अगर कब्जा कराई है तो फिलहाल अपने लिए किया है। क्योंकि बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो उसका पसंद आई है, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।